केजीएफ चैप्टर 2 की फैन मेड थ्योरी के सेकंड पार्ट की कहानी के एक दूसरे पहलू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गरुड़ा रॉकी के हाथों मारा गया है, यह खबर केजीएफ बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, यहां तक कि दुबई के इनायत खलील तक भी पहुंच चुकी है। गरुड़ा को केजीएफ में उसके ही सैनिकों के आगे मार कर भी रॉकी बेखौफ सबके सामने सीना ताने खड़ा है, क्योंकि 20,000 मजदूरों के आगे सेनापति वानरम के 400 सैनिक रॉकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उधर जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े एल राडो बुक के राइटर आनंद इनगालगी से पूछती है कि अब केजीएफ पर रॉकी कैसे राज करेगा, क्योंकि रॉकी के हाथों गरुड़ा को मरवाने वाला अधीरा अभी जिंदा है। और एंड्रयू शेट्टी, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्या भी केजीएफ पर राज करने का सपना देख रहे हैं। आनंद इनगालगी अपनी स्टोरी को आगे सुनाते हुए कहता है कि रॉकी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनेगा, इसलिए रॉकी वानरम और उसकी सेना को ऑफर देता है कि या तो वो केजीएफ में रहकर ही रॉकी के लिए काम करें या 20,000 मजदूरों के हाथों मारे जाएं। तभी वहाँ गरुड़ा का छोटा भाई विराट आ जाता है। विराट कहता है कि अब रॉकी ही केजीएफ का राजा है और आज से हम सब रॉकी के लिए ही काम करेंगे। सेनापति वानरम और उसकी सेना को भी रॉकी को ही केजीएफ का राजा मानना पड़ता है। अब रॉकी 20,000 मजदूरों से कहता है कि तुम कई सालों से केजीएफ पर मजदूरी कर रहे हो, लेकिन अब तुम लोग यहाँ गुलाम नहीं हो। तुमको तुम्हारे काम के लिए केजीएफ में वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, लेकिन फिर भी अगर कोई केजीएफ छोड़कर वापिस अपने घर जाना चाहता है तो जा सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। तब मजदूरों का लीडर कहता है कि हम लोगों ने तो केजीएफ से बाहर जाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, अब केजीएफ के बाहर भी हमारा घर नहीं है, अब केजीएफ ही हमारा घर है और रॉकी मजदूरों का मालिक है। अब रॉकी के पास 400 सैनिक ही नहीं, 20,000 मजदूर जो अब सैनिक बन गए हैं की सेना होती है। रॉकी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया है। उधर अधीरा जो कई सालों से गरुड़ा को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब गरुड़ा के मरते ही रॉकी ने केजीएफ पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अधीरा अब रॉकी को मारना चाहता है। रॉकी एंड्रयू शेट्टी, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्यन को भी एक ऑफर देता है कि या तो वो रॉकी के लिए काम करे या रॉकी उन सबको मार देगा। अब क्योंकि रॉकी के चाहने वाले ज्यादा थे, इसलिए कोई भी रॉकी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए एंड्रयू शेट्टी, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्या भी रॉकी के लिए ही काम करने लग जाते हैं। जो कोई भी रॉकी के खिलाफ खड़ा होता है, रॉकी उसको मार देता है। रॉकी ने केजीएफ का सोना बेचकर होने वाली कमाई को गरीबों में बांटना शुरू कर दिया था। एक दिन रॉकी रीना से मिलने बेंगलोर जाने वाला होता है, लेकिन रॉकी इसके बारे में किसी को नहीं बताता और रीना से मिलने बिना किसी सिक्योरिटी के अकेला ही चला जाता है। लेकिन रॉकी के रीना से मिलने बेंगलोर आने की खबर अधीरा को मिल जाती है। अधीरा रॉकी पर हमला करवा देता है। उस हमले में रॉकी मारा जाता है। अब ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि रॉकी की कार बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई है। ये खबर सुनकर फिर से एक बार केजीएफ में कोहराम मच जाता है। रॉकी के मरते ही अधीरा केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। असल में रॉकी के अकेले रीना से बेंगलोर मिलने जाने की खबर विराट ने ही अधीरा को दी थी। विराट कब से केजीएफ में रहकर इस मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन अधीरा और विराट ये नहीं जानते कि रॉकी को उनके इस प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए रॉकी उस हमले में मरा नहीं, बच गया था। जब अधीरा और विराट केजीएफ में रॉकी के मरने का जश्न मना रहे होते हैं, तभी वहां रॉकी आ जाता है। रॉकी को जिंदा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, जबकि केजीएफ के मजदूर रॉकी को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। विराट और अधीरा केजीएफ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉकी विराट को पकड़ लेता है और मार देता है, लेकिन अधीरा केजीएफ से भाग जाता है। उधर रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। सत्ता में आते ही वो केजीएफ और रॉकी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लग जाती है। कमल, जो शुरू से ही रॉकी का दुश्मन है
और रीना से शादी करना चाहता है। रमिका सेन को केजीएफ और रॉकी के राज के बारे में सब कुछ बता देता है। अधीरा जानता है कि रॉकी को अकेले नहीं मारा जा सकता, इसलिए अधीरा दुबई के इनायत खलील से कहता है कि रॉकी को मारने के लिए उनको एक प्लान बनाना होगा। अधीरा शेट्टी, एंड्रयू, गुरु पांड्या को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है, लेकिन वो राजेंद्र देसाई को रॉकी के खिलाफ तैयार नहीं कर पाता, क्योंकि राजेंद्र देसाई अपनी बेटी रीना देसाई के रॉकी से प्यार करने के कारण रॉकी को मारना नहीं चाहता। सबसे पहले अधीरा कमल के हाथों रीना को किडनैप करवाता है और फिर राजेंद्र देसाई से कहता है कि वो रॉकी को बताए कि कमल ने रीना का किडनैप कर लिया है और बदले में वो रॉकी को अकेले में मिलना चाहता है। अधीरा फिर राजेंद्र देसाई को भी मार देता है। अब रॉकी रीना को कमल से बचाने अकेला ही केजीएफ से निकल पड़ता है। रॉकी के केजीएफ से निकलते ही इनायत खलील अपनी सेना लेकर केजीएफ पहुंचता है। इनायत खलील अपनी सेना के साथ केजीएफ पर हमला करता है और फिर केजीएफ के सैनिकों और सेनापति वानरम को भी मार देता है। फिर इनायत खलील केजीएफ के बाहर चारों तरफ बॉम्ब बिछा देता है। फिर जब रॉकी रीना को बचाने केजीएफ से बाहर आता है तो अधीरा रॉकी को रास्ते में ही रोक लेता है। अधीरा रॉकी को कहता है कि हमने केजीएफ के मजदूरों और रीना को मारने का प्लान बना लिया है और एक तरफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड रीना है और दूसरी तरफ तुमको अपना मसीहा मानने वाले मजदूर, देखते हैं तुम एक ही समय में किसको बचाओगे। तभी वहां कमल भी रीना को लेकर आ जाता है। तब रॉकी कहता है कि मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने पहले ही केजीएफ के मजदूरों को एक सेफ जगह पहुंचा दिया था और वानरम को तो मरना ही था क्योंकि कई सालों तक उसने बेकसूर मजदूरों को मारा था। तब रॉकी कहता है कि अब केजीएफ में सिर्फ इनायत खलील और उसके सैनिक हैं। रमिका सेन ने भी रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर दिया है और केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला होने जा रहा है, लेकिन रमिका सेन ये नहीं जानती कि हमले के समय ना तो रॉकी केजीएफ में है और ना ही केजीएफ के मजदूर। इसलिए इंडियन आर्मी इनायत खलील और उसकी सेना पर हमला कर देती है और उनको वही केजीएफ में ही मार देती है। इधर रॉकी अकेला ही अधीरा और उसके आदमियों का मुकाबला करता है। एंड्रयू और शेट्टी भी रॉकी को मारने वहां आ जाते हैं, लेकिन रॉकी उन सबको ही एक एक करके मार देता है। फिर अधीरा और रॉकी के बीच में फाइट होती है और रॉकी अधीरा को मार देता है। फिर रॉकी कमल को मार कर भी रीना को बचा लेता है। इसके बाद रॉकी रमिका सेन के आगे सरेंडर कर देता है और केजीएफ पर गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है। अब केजीएफ एक सरकारी संपत्ति बन जाती है। रॉकी के सरेंडर करने के बाद लोगों ने उसके जेल जाने का विरोध करना शुरू कर दिया था और पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने शुरू कर दिए थे। आखिरकार सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाती कि रॉकी हीरो था या विलन, इसलिए गवर्नमेंट ने रॉकी को कहीं अंडरग्राउंड कर दिया। अब कोई नहीं जानता कि रॉकी कहाँ है। पुलिस ने रॉकी को छोड़ दिया है या उसको सजा दी गई है, ये बात लोगों के लिए राज ही है, लेकिन लोगों ने रॉकी की मूर्ति बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका थैंक।